हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन डिडक्शन फॉर्मूला। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ यू एन इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 एक्स टू द पावर एन साइन एक्स डी एक्स, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट यू एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 यू एन माइनस 2 इक्वल्स टू एन इंटू पाई बाई 2 टू द पावर एन माइनस 1 एंड हैंस इवेल्युएट यू 2। तो आपको ये गिवन दिया हुआ है और विद द हेल्प ऑफ दिस आपको ये प्रूव करना है, उसके बाद में यू टू की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव यू एन इक्वल्स टू, दैट इज 0 टू पाई बाय 2 एक्स टू द पावर एन साइन एक्स डी एक्स। से दिस इज फर्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेट कर लेंगे बाय टेकिंग दिस एज फर्स्ट, दिस एज सेकेंड। सो दिस इज यू एन इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 टू पाई बाई 2, राइट, माइनस साइन 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। सो दिस इज एन एक्स एन माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का, सो इट विल गिव यू माइनस साइन एक्स, तो मैं इसको कर लेता हूँ प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जब अपर लिमिट पर चेक करेंगे तो कॉस 90, तो कॉस 90 इज 0, फॉर द लोअर लिमिट 0 यहाँ रखेंगे तो इसकी वजह से 0, अल्टीमेटली ये रिजल्ट आएगा आपका 0। ये n आपने बाहर कर लिया, राइट। अगर मैं बात करूँ आप इसकी और इसकी, तो अगर आप यहाँ देखें प्रूफ में, सो यू एन माइनस 2 लिखा हुआ, तो यू एन माइनस 2 का बेसिकली मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ n की जगह n माइनस 2 रखूँ, यहाँ पर रख लीजिए, तो क्या दिखाई देगा, 0 टू पाई बाई 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 और साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर तो आपके पास कॉस है। अगर मैं इसको एक बार फर्दर और पार्शियली इंटीग्रेट कर लूँ तो ये आपको साइन में दे देगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये n आपका बाहर आ गया, इसको मैं लेना है फर्स्ट मुझे, और ये लूँगा मैं सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, राइट, ये एन आपने बाहर कर लिया, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स, ओके, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 टू पाई बाय 2 माइनस साइन लिमिट 0 से पाई बाय 2, इसका करेंगे आप फर्दर डिफ्रेंशिएशन, सो दिस विल गिव यू एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 2, ओके, कॉस एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन, सो दिस इज विल गिव यू साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये एन कांस्टेंट है, इसको आप एज इट इज लिखा रहने दीजिए। अभी यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए साइन 90 तो हो जाएगा 1, और इसमें जब पाई बाय 2 रखेंगे, सो दिस विल गिव यू पाई बाय 2 टू द पावर एन माइनस 1, लोअर लिमिट पर साइन 0 इज 0, तो ये हो गया 0, ओके। ये आप माइनस साइन के साथ में इसको लिख लेंगे एन माइनस 1, राइट, 0 टू पाई बाय 2, दिस इज एक्स टू द पावर एन माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स। तो अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं एन की जगह एन माइनस 2 रखूँ यहाँ पर, तो क्या देगा, 0 टू पाई बाय 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स, जो कि आपका ये है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, दिस इज एन पाई बाय 2 टू द पावर एन माइनस 1, राइट, दिस इज मल्टीप्लाई हियर, तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू, ये क्या चीज मैंने अभी बताई, यू एन माइनस 2 यूजिंग फर्स्ट, यहां लिख लीजिएगा यूजिंग फर्स्ट, ओके। अब आप इसको ले आइए लेफ्ट साइड में, सो व्हाट इट विल बी, दिस इज यू एन, ओके, ये आएगा आपका लेफ्ट साइड में, सो दिस इज प्लस एन इंटू एन माइनस 1, दिस इज यू एन माइनस 2 इक्वल्स टू, दिस इज एन पाई बाय 2 टू द पावर एन माइनस 1। सो ये आपका प्रूव हो गया, एंड से दिस इज सेकेंड, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये तो आपका प्रूव हो गया। अब इसके बाद में उन्होंने पूछा है कि यू टू की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसी में एन इक्वल टू 2 रख देते हैं। सो पुटिंग एन इक्वल्स टू 2, पुट एन इक्वल्स टू 2 इन सेकेंड, वी गेट
तो यहां से क्या मिलेगा, दिस इज यू टू एन इक्वल टू टू रखिए प्लस टू टू माइनस वन, टू माइनस टू दैट इज जीरो, यू जीरो इक्वल्स टू एन इक्वल टू टू, सो टू इंटू पाई बाय टू टू द पावर एन माइनस वन। तो एन की जगह भी आपने टू रखा तो यहां भी आप टू रख लीजिए, सो दिस विल बी दिस। अब इसके बाद में टू इंटू टू माइनस वन, तो टू माइनस वन तो हो गया वन और ये रह गया टू, सो दिस इज नथिंग बट यू टू। ओके, सो ये हो जाएगा टू माइनस वन वन, तो टू यू जीरो। तो मैं इसको चाहता हूं लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट करना, सो दिस विल बी नथिंग बट दिस इज टू इंटू पाई बाय टू, राइट, टू माइनस वन इज वन और ये हो जाएगा टू यू जीरो, सो दिस इज माइनस टू यू जीरो। ये टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या पाई माइनस टू यू जीरो। यू जीरो की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो यू जीरो निकलेगा आपका यहां से, आप एन इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ये जाएगा यू जीरो इक्वल टू एक्स टू द पावर जीरो साइन एक्स डी एक्स। तो सिंपली अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा मेरा क्या, अभी टू से तो टू कैंसिल हो गया, दिस इज पाई माइनस टू यू जीरो, राइट। ये आपका सेकंड था, इसको मान लीजिए थर्ड, या फिर आप इसी में सीधा डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए यूजिंग फर्स्ट करके। तो मैं यहीं पर यू जीरो की वैल्यू निकालूंगा, कैसे, इसमें एन इक्वल टू जीरो रख देंगे और इसी को यूज करते हुए यू जीरो की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका यू टू की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो चलते हैं, सो स्टूडेंट्स रख लेते हैं उसमें, सो क्या हो जाएगा, देयर फोर यू टू इक्वल्स टू पाई माइनस टू यू जीरो मीन्स लिमिट जीरो टू पाई बाय टू एक्स टू द पावर जीरो साइन एक्स डी एक्स। यहां लिख दीजिए यूजिंग फर्स्ट, आपने एन इक्वल टू जीरो रखा है किसमें, फर्स्ट में, तो कितना हो जाएगा, सो दिस इज पाई माइनस टू एक्स टू द पावर जीरो हो गया वन, सो दिस इज जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स, राइट। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज पाई माइनस टू, साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस से हो गया प्लस कॉस एक्स लिमिट जीरो टू पाई बाय टू, तो लिमिट लगा दीजिए, सो दिस इज पाई प्लस टू कॉस 90 हो गया आपका जीरो और माइनस कॉस जीरो हो जाएगा वन, सो अल्टीमेटली क्या हो गया, दिस इज पाई माइनस टू, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यू टू। ये आपकी यू टू की वैल्यू आ गई और पहला पार्ट हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, तो ये हो गया क्वेश्चन ओवर यहाँ पर। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, ताकि औरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू वेरी मच।